शिवपुरी जिले सहित करेरा अनुविभाग में रेत का उत्खनन कर अवैध परिवहन जोरों से चल रहा है। अवैध खदानों से प्रतिदिन 200 से 300 डंपर रेत भरकर निकलते हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व नुकसान है। ऐसे में सोमवार को पुलिस व प्रशासन की टीम ने कार्यवाही कर 14 डंपर पकड़े हैं। देर रात हुई इस कार्यवाही से रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने डंपरों को रोका, उस समय कई चालक कार्यवाही से बचने के लिए रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। हम आपको बता दें कि रेत से भरे सभी डंपर शिवपुरी और गुना भेजे जा रहे थे। पुलिस व प्रशासन ने इस सभी डंपरों को जब्त कर करेरा, अमोला, सीहोर सहित सुरवाया थाने में खड़े करवा लिए हैं। रेत से भरे जिन डंपरों को जब्त किया है, उनमें से किसी भी डंपर के पास रॉयल्टी नहीं थी। इसके अलावा सभी डंपर ओवरलोड थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, डंपरों पर कार्यवाही की गई है, कितने डंपरों पर कार्यवाही की है? कुछ करेरा में शिकायत आ रही थी कोई अवैध रेत परिवहन की, उसमें जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इसमें एडीएम एडिशन भी के साथ फोर्स भी यहाँ से भी गया था, कुछ वहाँ से भी फोर्स लिया गया। इसके में 14 डंपर प्राथमिक तौर पर ऐसे पाए गए जिनके पास उसके जो रेत है उसके कोई दस्तावेज नहीं थे, इनको जब्त किया गया है। इन पे उसका सत्यापन करके इन पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।